फर्स्ट क्वेश्चन है सर, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 22nd एंड आफ्टर दैट शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ टैली विद द जीएसटी, सो आई नीड कोर्स सर्टिफिकेट, ना नॉट गैप। यस, अगर आपने कोर्स किया है तो कोर्स का सर्टिफिकेट चलेगा, इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉलेजेस ने, मेरी ड्यूटी है मैंने बताना है, लेकिन कुछ कॉलेज या कुछ यूनिवर्सिटी रिलैक्स भी रहती हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में चेक किए जाते हैं नॉर्मली। सर, माइनर सब्जेक्ट असी आप चूज़ कर सकते हाँ जहाँ कॉलेज ने दिता होया लेना पैंदा है? माइनर सब्जेक्ट लई कॉलेज ने सिर्फ ये दसना है कि तुहाडी एलिजिबिलिटी किस विच बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम 1 ईयर जो तुसी पढ़िया है, तुसी खुद भी दे सकते हो जो तुसी 1 ईयर पढ़िया है, तो जे तुसी कोई 2 साल या 3 साल पढ़िया है, चूज़ 3 साल वाला खुद ही प्रेफर कर लो कि सो तुसी ही चूज़ करना है, कॉलेज ने गाइड करना है, एलिजिबिलिटी कॉलेज ने वेरीफाई करनी है, सो तुसी खुद चूज़ करना है। तुसी जिच नहीं एलिजिबल हो चूज़ नहीं कर सकते, कॉलेज की जिम्मेवारी बनेगी। सर प्लीज़, MGN कॉलेज, MK कॉलेज, इनोसेंट हार्ट, सिटी, सेंट सोल्जर, जलंधर बारे दस दो कि ऐसी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ऐसी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कोई कॉलेज उस तो मना नहीं कर सकता। सो तुसी एलिजिबल हो, जिस तरह जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट दिया हैं उसके मुताबिक हो तो नैचुरली है तुसी अवेल करो कि स्कॉलरशिप फ्रीशिप कार्ड जो बन जाता है। सो मतलब जेड़ा भी कॉलेज एफिलेटेड है, NCT तो अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट तो ली हुई है, अगे चल के तो हम तुम एक अजीब गल दसदा हाँ कि नोटिफाई हो चुका है कि 2024 तक ये नोटिफिकेशन आ चुका है, 2024 तक जे किसी कॉलेज ने NAC नहीं कराई, NAC एक UGC दी ही एक ब्रांच मन के चलो जिसने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी नू एक्रेडिट करना हुंदा है इवैल्यूएशन असैसमेंट करके, उसदी उसदे स्कोर लगते हैं, रैंक बनता है, तो मिनिमम बी ग्रेड लेना हुंदा है, जे मी बी ग्रेड नहीं आंदा तां फिर वो कॉलेज नू दोबारा रीवैल्यूएट करना पैंदा है, अपग्रेड उसनू करना पैंदा है। सो 2024 तक कॉलेजेस ने लैनी है, NAC करवानी है, NAC जे नहीं करवाते 2024 तक तां उना कॉलेजां विच ये प्रोविजन जिहड़ी है खत्म कर दित्ती जाएगी। ऐसी स्कॉलरशिप उस कॉलेज विच ये बच्चे जा नहीं सकते, उन्होंने गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी नैचुरली, तां जो ये बच्चे दाखिल हो सकन, उन्हों का फाइनेंस मिलता रहे, तो उन्होंने NAC करानी पेगी। हुण जो गवर्नमेंट है वो इस तरह जिहड़े है कॉलेज नूं सिद्धे करन लई काम कर रही है। सर ऐसी स्टूडेंट लई दस दो कि फैसिलिटी मिल सकती है, जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट देखो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट वालों निर्धारित है, तुसी एलिजिबल हो तो तुहानूं मिलेगी ही मिलेगी, ये नहीं है कि किसी कॉलेज मिलेगी किसी च नहीं मिलेगी। सर अगर लास्ट कोर्स ओपन से किया है तो करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, करैक्टर सर्टिफिकेट ओपन तो नहीं हुंदा, डिस्टेंस तो नहीं हुंदा, करैक्टर तो उत्थे देखा जाएगा ना जिथे व्यवहार रोज़ देखते हाँ, सो रेगुलर का हुंदा है। सर मेरा 1 साल का गैप है 2022 का, मुझे भी गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, सर प्लीज़ चैक माई मैसेज। इस तरह मैसेज मैनू, मैं सारे चैक कर रहा हाँ, जिन्हें के जवाब फोन बैक कॉल करके जो कर सकता सी राज कीता है, जे कोई मिस हो गया हो माफ़ी मंगता हाँ, ते तुहाडा तुहानू जो है गैप सर्टिफिकेट बनाना पैना है। फिलहाल तुसी इस तरह करो, गैप सर्टिफिकेट कोई लंबा काम नहीं, कोई रत्ती भी टेंशन की जरूरत नहीं है, जिस दिन मेरे ख्याल 24 नू तुसी रिपोर्ट करना है कॉलेज नू, कॉलेज रिपोर्ट करके उन्हां तो पुछ लो कि गैप सर्टिफिकेट चाहिदा है, हो सकता है वो ना मंगण क्योंकि वेरीफिकेशन इत्थे रहनी है, जे यूनिवर्सिटी गैप सर्टिफिकेट चाहिदा होया भेजना होया फिर मंगवा लेंगे। और फस्ट डे जाओ तुहानू 3 दे मिलते हैं, 1, 2, 3 है ना, फर्स्ट डे पता कर लो तो सैकेंड डे बन जाएगा, जस्ट कुछ भी टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा वो लग जाएगा। सर जिन्हें दे BEd च DMC नहीं आए उन्होंने अपने रिजल्ट दे प्रिंट, मैनू समझ नहीं आई की पूछ रहे ने। सर जिन्होंने BA दे DMC नहीं आए जी, वो अपने रिजल्ट दी प्रिंट अच्छा लगा सकते ने, तो DMC हाले तक नहीं आए, तुहानू मार्क्स तो पता लग गए ने ना, तुसी मार्क्स ही अपलोड करने ने, बस मार्क्स एंटर कर देने हैं, कल 18 तक है, 18 तक अपने मार्क्स अपलोड कर दो, शायद डेट वधा भी देन हो भी सकता है,
क्योंकि कई काफ़ी पंजाबी यूनिवर्सिटी के काफ़ी रिजल्ट आ भी चुके ने तीन चार क्लासेस दे रीअपीयर हो तो एडमिशन हो गा कि नहीं सर। देखो रीअपीयर का जे तो स्टूडेंट रिटर्न तुम अंदरली गल दसदा हाँ एक स्टूडेंट रिटर्न होंगी है स्टूडेंट रिटर्न ओके स्टूडेंट रिटर्न की होंगी है जिस विच जो एडमिट हो जाते हैं बच्चे उन्हें सारिया की इनफोरमेन प्लस डॉकूमेंट जो जो सर्टिफिकेट उन्होंने भेजने हैं ओरिजिनल नहीं फोटो कॉपी वो सारे थ्रू सॉफ्ट भी जाते ऑनलाइन चले जाते हैं उस तो इलावा बाद विच जे किसी की प्रॉब्लम है वो वेरीफाई हुंदा है स्टूडेंट रिटर्न जो जाती है उसके नाल फीस चली जाती है। सो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिटर्न की लास्ट डेट रखती है उस तो बाद कोई एडमिशन नहीं हो सकती उस तो पहला एडमिशन की प्रोबेबिलिटी रहती है हो सकती है। सो तुहाडे लई इन्नी एक्सटेंड की जाएगी इसलिए रिजल्ट जे रीअपीयर है तुहाडा रीअपीयर का है रीअपीयर लई तुसी कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मैं एक सलाह दिते सी कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट कढ़ाउण दी कोशिश करो यूनिवर्सिटी जाके पता करो कदों तक आ सकता है ते फिर तुसी जेकर रीअपीयर दा मेरे ख्याल नहीं होएगा तद तक जे तां पिछले पेपर दिते हुए तां हाँ पे आ जाएगा जे हुण वाला है तां फिर उहनां दी एडमिशन नहीं होएगी क्योंकि जद तक तां सारा सैशन शुरू हो चुका होएगा स्टूडेंट रिटर्न चली जाएगी। ये आंसर उन्होंने भी है जिन्होंने रीइवैल्यूएशन भरी है उन्होंने आने की संभावना रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है दैट इज वाई सर रूरल एरिया का सर्टिफिकेट फोटो कॉपी तो डीओ दे साइन कराने हैं कदे भी किसी फोटो कॉपी पर साइन नहीं करवाई दे अथॉरिटी दे सर्टिफिकेट बनता ही ता है जो ओरिजिनल तो कराओगे ओरिजिनल तो करवाने हैं सर क्या ऐसी स्टूडेंट की फीस रिफंड होंगी है नहीं इन्होंने गाइड किया है खुद ही गाइड किया है 20 हज़ार तक लगभग फ्री शिप कार्ड होता है एससी के लिए कोई बाकी कॉलेज को वेरी करता है सो फ्री शिप कार्ड वो होंगे कि तुम स्कॉलरशिप आती है ये आती है तो दो साल लगभग 30 हज़ार आ जाती है 28-30 हज़ार है ना तो वो फीस तुसी कॉलेज फिर जमा करानी होंगी है। सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो की है और तीजे चौथे सैम का रिजल्ट नहीं आया पोस्ट ग्रेजुएशन ना इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ए पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों तुहाडा पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेजुएशन का आया होना चाहिए है ग्रेजुएशन क्योंकि एलिजिबिलिटी का बेस है जेकर पोस्ट ग्रेजुएशन चो एलिजिबल नहीं हो पोस्ट ग्रेजुएशन के अच्छे मार्क्स आने की संभावना है फिर हो सकता है कि तुम भरने पैर सर अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं आस साढ़े कोल तो असी हुण अप्लाई कर सकते हाँ कोई प्रॉब्लम हाँ अप्लाई कर सकते हो रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा 10-15 दिन च बन जाएगा मेरे ख्याल से इस तो घट्ट भी बन सकता है पैसे लेंदे ने तहसील विच जल्दी भी बन जाता सब काम हो जाते हैं जे कहो तो मैं फोन नंबर दे दांगा कित्थे दे हो तुसी मेरा दोस्त ही है वो गाइड कर सकते हैं पर वो तुसी जे जलंधर दे हो तो जलंधर एरिए नू बेचारे गाइड कर देंगे बाकियों नू दूर वालियों नू दसना औखा हो जाता है। सर सिक्स्थ सैम का रिजल्ट कब अपडेट होगा 18 तक की सी डेट इन्होंने दिता होगा ये देखो 18 तक ओए मैं लिखा है सॉरी कल नू आना टेंशन हो कॉलेज हूज नेम इज़ नॉट मैनशन इन बी एड काउंसलिंग कॉलेज लिस्ट ए इज़ बेनीफिशियल टू डू देखो जे कॉलेज लिस्ट विच जिन्हों का मान लो 200 कॉलेज ने उन्होंने नाम नहीं है जे तो चंडीगढ़ दे है एनसीटी तो रिकगनाइज होवे गवर्नमेंट तो अपरूवड होवे और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ना एफिलेटेड होवे फिर उतों कर सकते हैं तुसी है ना। नेक्स्ट है सर एडिशनल सब्जेक्ट का सिलेबस डिफरेंट होता है रेगुलर कोर्स से या दोनों का सेम होता है जेकर तुहाडी एनुअल सिस्टम च होई है एडिशनल पूछा है नहीं ये नहीं है हाँ एडिशनल का तो नहीं नवा ही होएगा सैम वाला प्रेजेंट वाला ही होएगा है ना जे इंप्रूवमेंट का है जे थोड़ी हाँ एडिशनल एक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो सकता है कि जेकर थोड़ी पिछली है 10 साल पुरानी है या एनुअल सिस्टम च हुई सी फिर एनुअल सिस्टम वाला सिलेबस थोड़ा एनुअल वाला होएगा वो सैम वाला नहीं होएगा ये फर्क हो सकता है। सर एडिशनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस कैसेट किहड़े क्वेश्चन पेपर चाहिए है मैनू दस दियो मैं हो सकया डाउनलोड कर दूंगा जी एन डी यू दे चाहिए है किहड़े पेपर चाहिए है मैनू दस दियो कि इस क्लास का ये सब्जेक्ट का फिर मैं कोशिश करांगा मैनू मैसेज कर दो मैं करवा दाँगा। सर कॉलेज अंडर वेयर आई अप्लाइड बिफोर गिविंग एंट्रेंस टेस्ट देमसेल फील्ड द चॉइस ऑफ कॉलेज इन द फॉर्म एंड लॉक्ड इट विदाउट ईवन इनफॉर्मिंग मी आई वॉन्ट टू अप्लाई द गवर्नमेंट कॉलेज बट नाउ दे हैव
स्नैच्ड अवे द चांस कैन आई डू एनीथिंग, बिल्कुल कर सकते हो तुसी, तुसी अपने हाथ किसी नूं हाथ ही वड के क्यों दिंदे हो, अपना पासवर्ड आईडी कोल रखो जे देना है अगले ते पूरा विश्वास तो हो। विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी ते अंधविश्वास किया जा सकता है, तो वह कहते हैं किया जा सकता है जेकर जिस ते विश्वास करना है उंदा ना हो। सो जिहड़े पैसे लिए अन्ने हो गए ने उन्हां ते विश्वास नहीं है करना, इसलिए जे कॉन्फिडेंस है तुहाडा अच्छा नाता है उन्हां नूं दिओ। जेकर इस तरह हुंदा है तां तुसीं अपना पासवर्ड जनरेट नवां कर सकदे सीगे, तुसीं यूनिवर्सिटी नूं ईमेल करके कह सकदे सीगे कि मेरा अनलॉक किया जाए और तुसीं चेंज कर सकदे सीगे, है ना। आई डन ग्रैजुएशन 2000 पोस्ट ग्रैजुएट 18 उत्तराखंड बोर्ड, कैन आई डन बीएड, बिल्कुल कर सकते हैं। 15% कोटा है, तुहानूं मैं जवाब भी दे दिता है, 15% कोटे विच तुसी कर सकते हो। तुहाडा डोमिसाइल उधर का चाहिए है, ईजीली सीट मिल जाती है, तो खाली जांदियां सीट। 5 ईयर का गैप हो गया है ड्यू टू मैरिज, दो नो प्रॉब्लम, नो कोई भी लाइफ लॉन्ग रन नहीं है, है ना। बेबी क्या मैं अब कर, बिल्कुल कर सकते हो, आपने दो दो तीन तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप ज़्यादा पावरफुल हो, फैमिली देख रहे हो, बेबी को देख रहे हो, और ये जो पढ़ लेते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। चलो मैं आपके जब एग्ज़ाम होंगे ना मुझे याद कराना, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम से महीना पहला जब तैयारी शुरू करनी होगी। वैसे मैं वीडियो भी डालूंगा आपके टॉपिक की, जो जो आपको प्रॉब्लम आई है आप बोल सकते हो, उस पर वीडियो डाल दूंगा। जो टेट की हम तैयारी करेंगे उसके वीडियो भी, जो आपके बीएड के सिलेबस के होंगे वो आप उसके स्ट्रेटजी कैसे लर्न करना है कैसे, तो ये मैं बात कर रहा था कि अब मुझे बताना कि अगर कम पढ़ के पास कैसे होना है, या मार्क्स से ज़्यादा कैसे लेने, कौन से नुक्ते होते, सभी बता दूंगा, आप याद कराना उस वक्त मुझे, ठीक है। हो जाता है, बस एक ही गैप आपका ज़्यादा नहीं है, यहाँ 15-15 साल पुराने हमारे स्टूडेंट हैं जो कर चुके हैं, अच्छे मार्क्स लिए उन्होंने, बस आपको राइटिंग की प्रैक्टिस है, वो भी सब कुछ बता दूंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल हिंदी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स PU चंडीगढ़ से किया सर, PU चंडीगढ़ एफिलेटेड पंजाब भी लिया है, SST हिंदी, तो ठीक है, ये रहा SST पॉलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी आपके पास, बिल्कुल ठीक है। KVS CBSE के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या मुझे PU चंडीगढ़ से हिस्ट्री का एडिशनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये हाँ देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। फिर भी देने से पहले एक बार फिर वेरीफाई कर लेंगे, कई बार चेंज हो जाता है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री उन्होंने बोला है ना। एंड सर प्लीज़ PU चंडीगढ़ के एडिशनल एग्ज़ाम का फॉर्म अभी आया नहीं है, अभी भी आया नहीं है, जब भी आता है ना तो इसी महीने आ जाएंगे, सभी गुरु नानक के भी आ जाएंगे, और 2-3 दिन में फिर देख के बता देता हूँ। सर मैं BSc मैथ कंप्यूटर फिजिक्स है ना, हूँ कॉलेज वाले बोलते हैं मैथ ते साइंस कॉम्बीनेशन ले लो, पर फिर मैनू केमिस्ट्री दे पेपर नहीं देने पैणगे, और मैथ्स एंड कंप्यूटर दे सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन नहीं पता लगा की कह रहे हो, वो कह रहे ने मैथ्स ते साइंस ले लो, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर मैथ्स और साइंस आपको मिल रहा है, एक फिजिक्स ही पढ़ी है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, मैथ के लिए आप एलिजिबल हो, तो कंप्यूटर ते फिजिक्स है, कहते साइंस कंबीनेशन लियो, फिर मैनू केमिस्ट्री दे पेपर ते नहीं देने पैणगे, आप के दो साइंस सोशल साइंस लिखी है जो वीडियो में, तो आपने नहीं पढ़ी दो सोशल साइंस नहीं साइंस नेचुरल साइंस वो नहीं पढ़ी, आपको फिर देने पड़ेंगे, ये पंगे वाली बात है। हाँ फिजिकल साइंस लेके आप MSc फिजिक्स करते हो या केमिस्ट्री करते हो, फिर आप PGT के लिए एलिजिबल बन जाते हो, ये डिफरेंट बात है। मैं मैथ एंड कंप्यूटर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया हुआ, हाँ ठीक है, इसके लिए आप दोनों के लिए TGT के लिए एलिजिबल हो, है ना। सर एडिशनल पेपर किमें हुंदा, उदे सेंटर कित्थे बनदा, रजे उसी तरह ही बनता है जिस तरह तुहाडे एग्जाम तुसी ग्रेजुएशन कीती है, तुहाडे नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट दे फॉर एग्जाम्पल जो लुधियाना है, जे तुहाडी यूनिवर्सिटी मान लो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, तो जलंधर बनेगा, अमृतसर बनेगा, कपूरथला बनेगा, गर्ल्स लिए थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटेट कर देंगे ने, जिथे कॉलेज अवेलेबल है मेन कॉलेज सेंटर बनते हैं उत्थे ही, उत्थे तुसी प्रेफरेंस भरते उत्थे ही बन जाता है, कि दूर अलग नहीं बनना, जिवें तुसी ग्रेजुएशन की है उस तरह होना है। सर कंप्लीटेड MA पंजाबी एंड कंप्लीटेड BA विद सब्जेक्ट हिस्ट्री
रिलीजन पंजाबी लिटरेचर सर मेरा मेजर SST माइनर पंजाबी सर मैं एडिशनल पेपर देना पड़ेगा ये तुहाडा हो गया हिस्ट्री ते रिलीजन रिलीजन राजे नहीं है जिहड़ियां 9 सोशल साइंसिस दित्तियां पहला 7 सी पंजाब गवर्नमेंट ने दित्तियां उहदे विच रिलीजन नहीं है सो रिलीजन की जगह पर तुहानूं एक अडिशनल देना पैना है ओके फिर वेरीफाई कर लेंगे वैसे मैं ये वीडियो सारे पा दाँगा कि पिछली बार कंडीशन सीगियां रिलीजन तुहाडी प्रॉब्लम वाला है और पंजाबी लिटरेचर तुसीं पढ़िया है पंजाबी लै लिया है दूसरा बाकी ठीक है सब कुछ बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है नैक्सट है तुहाडा सर मैं BA विच हिस्ट्री पोलीटिकल साइंस रिलीजन किया है तो मेरा मेजर माइनर की बनता है यूनिवर्सिटी नहीं दसी तुसीं यूनिवर्सिटी नहीं दसते फिर आ हिस्ट्री तो पोलीटिकल साइंस तुहाडा बन रहा जिहड़ी मर्जी यूनिवर्सिटी है ना ये तो बन गया रिलीजन सब्जेक्ट नाल तुसीं कोई लैंग्वेज लोगे इंग्लिश लै सकते हो या पंजाबी लै सकते हो जिहड़ी एक साल पढ़िया है उन्होंने कोई भी लै सकते हो SST दे नाल ठीक नैक्सट है सर मैं BA विच हिस्ट्री फिजिकल रिलीजन पढ़िया है तो मैं पंजाबी की हुई है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन दस दो प्लीज़ SST पंजाबी कॉन्ग्रेचुलेशनस बंदा है SST पंजाबी तुहाडा हिस्ट्री है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला चो तुसी हिस्ट्री दे नाल SST बन गया तो नाल तुसी पंजाबी लै सकते हो पंजाबी तो तुहानू MA पंजाबी है लेकिन इलैक्टिव पंजाबी नहीं पढ़ी इसलिए तुहानू इलैक्टिव पंजाबी का अडिशनल पेपर देना पाया मैं कोई अडिशनल पेपर तो नहीं देना पेगा मैं ये नहीं पता तुसी इलैक्टिव पंजाबी कितने लिखी नहीं है जे इलैक्टिव पंजाबी नहीं पढ़ी तो इलैक्टिव पंजाबी का अडिशनल देना पेगा तुहानू ठीक है वैसे तुहानू बाद विच हिस्ट्री दे नाल पोलीटिकल साइंस या कोई कोई स्कूल साइंस सोशल साइंस का भी अडिशनल देना पैना है मैं जे क्लीयर नहीं होया तो फिर मैं माफ़ी मंगता हाँ नैक्सट है सर मैं BA विच जनरल इंग्लिश पंजाबी इलैक्टिव पंजाबी हिस्ट्री पोलीटिकल साइंस SST तुहाडा बन रहा है SST पंजाबी बहुत अच्छा बन रहा है MA पोलीटिकल साइंस की है सर क्या मैं SST इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर सकती हाँ राजे कर सकते हो जब तुसी इलैक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है देखो ये तुसी वीडियो चिकर ही देख ही लो मैं हुणे ही पा दिना चलो देखो ना तुसी इलैक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है इहदे नाल तुसी TGT लई एलीजिबल पंजाबी लई है रख सकते हो इत्थे गलत नहीं है फिर तुहानू अडिशनल जिहड़ा है इंग्लिश दा इलैक्टिव दा 3 सालां दा इह देना पैना है रख सकते हो है ना जे तुहाडा शौक है तो तुसी उहनू चूज़ कर सकते हो नैक्सट है सर प्लीज़ दस दो कि मैं हिंदी हिस्ट्री फिलोसफी BA विच हिंदी मेजर नहीं हिंदी मेजर नहीं हो सकता ऑनर का हुंदा तां तो तुहाडा मेजर हो सकता सी अदरवाइज इत्थे नहीं हो सकता सो तुहाडा मेजर हिस्ट्री ही रहेगा है ना फिलोसफी भी पढ़ी है तुहाडा SST बनेगा मेजर माइनर बनेगा हिंदी गवर्नमेंट जॉब लई ठीक नैक्सट है सर मैं BEd च कॉमर्स मेजर रखिया है ठीक है इंग्लिश माइनर मैं आगे भी इंग्लिश नू ही परस्यू करना चाहती हाँ आपने कॉलेज तो पूछा तो वो कहते कि BCom वाले MA इंग्लिश कर सकते हैं जेकर मैं MA इंग्लिश कर लवा तो फिर TGT नहीं नहीं TGT लिए एलिजिबल बन जावांगी नहीं MA इंग्लिश करके नहीं बनांगी तुहानू इंग्लिश जिहड़ी है देखो एक बार अलाउ किया है उन्होंने है ना एक बार अलाउ किया है लेकिन तुहानू इलैक्टिव इंग्लिश कर लेना चाहिए सेफ साइड लई जिहड़ी हुण सरकार आ रही है कंडीशन सख्त कर दित्तियां तो इस तरह दियां जिहड़ियां इलैक्टिव इंग्लिश वाली है सेफ साइड ही चलना चाहिए तुहानू करना ही चाहिए है अडिशनल पेपर देना पैंदा BA दा इलैक्टिव इंग्लिश दा प्लीज़ हाँ जी मैं दस दिता दस दो सर जी बहुत कन्फ्यूजन हाए रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं गा नैक्सट है सर गुड मॉर्निंग सर मेरे BA दे विच हिस्ट्री सोशियोलॉजी होम साइंस रखिया और मैं MA सोशियोलॉजी दे विच कीती हुई है ठीक है तुहाडा हिस्ट्री सोशियोलॉजी बन गया है सोशल साइंस बन गई है कॉम्बीनेशन सर प्लीज़ मैनू मेरे सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन दस दो तुहाडा ये बन गई 100% बेस्ट बन रहा है SST एलिजिबल हो दूसरा होम साइंस ये नाल नहीं मिलेगा तुहानू लैंग्वेज ही ये नाल मिलेगा मतलब तुसी इंग्लिश जा पंजाबी ये नाल कोई एक रख सकते हो जिहदा तुहानू अडिशनल बाद विच देना पएगा जिहड़ी फिर MA करोगे तुसी उस दे
PGT ਲਈ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਚਾਹੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਕਰੋ ਐਮਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ PGT ਲਈ ਸਰ SST ਮੇਜਰ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਈਨਰ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈ PSTET ਵਿੱਚ ਸੋ SST ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ 60 SST ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਟੋਟਲ 60 ਹੈ 15 ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਜਾਂ 20 ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੀ ਫੋਰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਕੀ 45 ਜਾਂ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 10 10 ਕਰਕੇ ਚਾਰਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰ ਔਨਲਾਈਨ ਚੋਇਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਓਨਲੀ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਫਿਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ PU ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ BEd ਵੀ PU 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TGT ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ BA ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SST ਲਈ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਕੇ BEd ਕਰਨੀ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਕਮਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ TGT ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਮਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫਿਰ PGT ਲਈ ਕਮਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਰਿਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ MCOM ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ PGT ਲਈ ਫਿਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ PGT ਲਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ MA ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PGT TGT ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋਲਿਡ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਇਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਲਜ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਬੜੇ 7 ਫੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲਓ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਕਰੋ 2-4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਨਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 6th ਸੈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ 8427458843 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 22 ਘੰਟੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 2 ਆਵਰ ਹੈਲੋ ਸਰ ਮੈਂ BEd ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਣੇ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ TGT ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਰਿਪਲਾਈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ
सर मैंने बीए विचो हिस्ट्री ज्योग्राफी इलेक्टिव हिंदी की है। मेरे बीएड चो बेस्ट कॉम्बिनेशन मेजर एसएसटी माइनर हिंदी का बन सकता है प्लीज़? बिल्कुल बन सकता है, बन रहा है, बहुत अच्छा। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सोशल साइंसेज। मैं एक वीडियो बना के दसदा हाँ कि सिलेक्शन टेस्ट लिए किदा, मैं क्यों किसी नूं वधिया जां किसी नूं एवरेज जां घट कहना है। सर मैंने बीए हिंदी किया हुआ है और कंप्यूटर एप्लीकेशन एक वन डे हो गया है ये नौ। गुड आफ्टरनून सर, मैं साइंस टीचर बनना चाहती हूँ और मेरे मेजर सब्जेक्ट ते माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश है। मेरा मेजर सब्जेक्ट है ते मेरा माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश है, केड़ा मेजर सब्जेक्ट है नहीं लिखा। मैं साइंस टीचर बनना चाहती हूँ ते मैनू इंग्लिश दा एडिशनल पेपर देना ही पेगा क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर बनना। हाँ बिल्कुल, जेकर इलैक्टिव इंग्लिश नहीं है तुहाडी, है ना, इलैक्टिव इंग्लिश नहीं है तो तुहानू जनरल इंग्लिश दे बेस ते बीएड च मिल गई है, फिर तुहानू इलैक्टिव इंग्लिश दा एडिशनल देना ही पैना।